बहुत ही जबरदस्त वेट लॉस का नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, ये जो नुस्खा है इसके बारे में थोड़ा बता दूं, मुझे बहुत सारे व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे क्या सेब के सिरके से वजन कम हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। इसी सिलसिले में ये नुस्खा है, ये नुस्खा मैंने जब खुद आजमाया है अपने पर, मैं हैरान रह गया इसके रिजल्ट से, और बेहतरीन नुस्खा है। इसमें हमारा जो मेन जो हम इसमें चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो उसमें सबसे मेन चीज़ है सेब का सिरका, यानी ये रेमडी सेब के सिरके पे मुश्तमिल है और बेहतरीन रेमडी है आपका वज़न, खासकर उन लोगों का जिनका पेट पे जो टमी फैट है वो बढ़ा हुआ, यानी पेट तौंध निकली हुई है और कमर पर मांस लटके हुए हैं, उनका मांस अगर ये नुस्खा आप आजमाते हैं तो दिनों में देखते ही देखते पेट और जो लटके हुए मांस हैं वो अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल आपका किलोस के हिसाब से वजन कम होता है, बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे के मैं पहले चलूं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बहुत शुक्रिया जो हमें पसंद कर रहे हैं और हमारी हमें हौसला दे रहे हैं। तो अब चलते हैं नुस्खे के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बनाना सिखाऊं और इसका इस्तेमाल बताऊं, सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू बता दूं ये नुस्खा काम करता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। दोस्तों हमारे मैदे में जब हम कुछ खाते हैं तो मैदे में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे ही खाना मैदे में जाता है तो वो एंजाइम्स खाने को तोड़ने लग जाते हैं और उससे नशोनुमा और प्रोटीन लेते हैं और खाने को हजम करना का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा पीएच लेवल जो है, पीएच लेवल का मतलब है कि किसी चीज़ में कितनी ज़्यादा तेजाब है या कितना ज़्यादा असास है, तेजाब का उल्टा है असास, ठीक है। अगर हमारे मैदे का पीएच लेवल बिगड़ा हो, तेजाबियत कम हुई हो, बल्कि असासियत ज़्यादा हुई हो, तो हमारा जो है ये जो हजमे का ये जो एंजाइम है वो नहीं निकलते, मैदे में वो एंजाइम नहीं बन पाते, जिसकी वजह से खाना ना तो हजम होता है सही तरह से और ना ही जो खाने से हमारा जिस्म प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स और गजाइयत ले पाता है, यानी खाना वहाँ पड़ा रहता है काफ़ी अर्से, हमें बदहजमी भी रहती है और आखिरकार जो है खाना चर्बी की सूरत में स्टोर हो जाता है और हमारा मोटापा भी बढ़ जाता है और हमारी कोई गजाइयत नहीं मिलती, जिस्म कमज़ोर और रंग पीला पड़ जाता है। अगर पीएच लेवल हमारा ठीक हो, मैदे में हल्की सी तजाबियत मौजूद हो, तो खाना फौरी हजम होगा और नशोनुमा भी मिलेगी। ये थी इसकी साइंस, यानी पीएच लेवल। ये जो नुस्खा है, जब आप खाने से इसलिए आपने पहले लेना होता है, जब आप खाने से पहले ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हो तो ये नुस्खा पेट में जाते ही आपके मैदे में हल्की सी तजाबियत पैदा कर देता है और जैसे ही आप कुछ खाते हो फौरी एंजाइम पैदा होते हैं और खाना उसी वक्त हजम होने लग जाता है और गजाइयत भी जिस्म लेने लग जाता है और चर्बी बिल्कुल नहीं बनती। आपको समझ आ गई इस नुस्खे के पीछे की साइंस। अब चलते हैं नुस्खे पे। नुस्खा बहुत इजी है, आपने इसमें सिर्फ तीन चीज़ें हैं, एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें डेढ़ चम्मच आप डाल लीजिए सेब के सिरके की, और डेढ़ चम्मच ही आपने डाल लेनी है नींबू के रस की, और ये आपका जो है सेब का बना हुआ वज़न कम करने का बेहतरीन नुस्खा तैयार है। नाश्ता करते हैं, नाश्ते से 5 मिनट पहले ये पी लें, दोपहर के खाना खाने से पहले भी 5 मिनट पहले और रात के खाने से पहले भी 5 मिनट पहले पी लें। स्नैकिंग वगैरह अवॉइड करें, बीच में सिर्फ 3 दफ़ा खाना खाएं, हल्की फुल्की कसरत करें, फिर देखें कैसे किलोस गिरते हैं। आप खुद परेशान हो जाएंगे कि पेट कहाँ गया, मेरी कमर में जो मांस लटका था कहाँ गया, मेरी जो अंडर आर्म्स लटकी हुई थी कहाँ गई, टांगे जो मेरी मांस लटक रहा था कहाँ गया। बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा है और गजाइयत भी आपको मिलेगी, तंदुरुस्त भी होंगे, वज़न भी कम होगा। फिर रिपीट कर देता हूँ, पानी का एक गिलास लेना है, गिलास कभी पानी गर्म होना चाहिए, नीम जो सादा पानी है, गर्म से मेरा मुराद आप ये ना ले लीजिए कि गर्म करना है, सादा पानी होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सादा पानी लें जो कमरे के टेम्परेचर पे होता है। सादा पानी में 1.5 चम्मच सिरके का रस, खाने वाला जो चम्मच लेना है टेबल स्पून, और 1.5 चम्मच ही नींबू का रस, और ये दोनों को पानी में मिक्स करें और खाने से 5 मिनट पहले पी लें। मैं उम्मीद करता हूं आपको नुस्खा समझ आ गया होगा और इसके पीछे की साइंस भी समझ आ गई होगी। मैंने खुद आजमाया है और किलोज़ के हिसाब से मेरा वज़न गिरा है और वो भी कुछ दिन में। तो और दोस्तों इससे जो है मेरी सेहत भी इम्प्रूव हुई है, मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूं क्योंकि खाने की गजाइत मुझे मिलने लग गई है।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ हमारी वीडियो फैमिली फ्रेंड और जिसके साथ भी हो सके शेयर करें ताकि हो सकता है हमारी किसी बताई हुई घरेलू रेमेडी से वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें और डॉक्टरों और हॉस्पिटल से बच सकें, उनका भला हो सके। अमी इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। इजाज़त चाहूँगा।